Good morning, students. How are you? Welcome to all of you in our SST class of 7th standard. As you know, we are continuing reading of chapter 2, History, New Kings and Kingdoms. So, today open your books at page number 11. बेटे लास्ट वीडियो में हमने साउथ इंडिया में आने वाली पाला प्रतिहार और राष्ट्रकूट डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था. आज का हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन इन नॉर्थ इंडिया, भी उत्तर भारत में उस टाइम पर शासन प्रबंध कैसा था. द किंग हेल्ड सुप्रीम अथॉरिटी, जो सारी पावर है वो राजा के पास होती थी. ही वॉज असिस्टेड बाई ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रियों की एक सभा होती थी जो राजा की सहायता करती थी. ही वॉज ऑल्सो द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी, वो सेना का भी कमांडर इन चीफ होता था. ड्यूरिंग दिस पीरियड द पावर ऑफ द किंग वीकेंड, द फीड्यूल लॉर्ड्स नोन एज समंतास इमर्ज्ड. उस टाइम के दौरान जब कभी राजा की पावर कमज़ोर हो जाती थी तो जागीरदारी के जो मालिक होते थे, जिन्हें हम समंता कहते हैं, वो राजा के साथ मिल जाते थे. इन ल्यू ऑफ सैलरी द किंग वुड गिव देम लैंड, सैलरी की बजाय राजा उन्हें अपनी लैंड का कुछ हिस्सा दे देते थे. द मेन फंक्शन ऑफ द समंतास वॉज टू प्रोवाइड मिलिट्री असिस्टेंस ड्यूरिंग वॉर, समंता का मुख्य काम ये होता था कि वे युद्ध के दौरान राजा को सैनिक सहायता प्रदान करते थे. दे डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस एज सून एज दे फाउंड एन अपॉर्चुनिटी टू डू सो, जो समंता है अगर उन्हें अवसर मिलता था तो वो जल्दी ही अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर देते थे, मतलब वे अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य मान लेती थी. फॉर इंस्टेंस द राष्ट्रकूटर्स वर द फ्यूडिटोरियस ऑफ द चालुक्यस, जैसे कि राष्ट्रकूटा जो कि चालुक्य के जागीरदार थे, डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस आफ्टर दंती दुर्गा डिफीटेड द चालुक्यन किंग कीर्तिवर्मन, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी जब चालुक्यन किंग कीर्तिवर्मन ने दंती दुर्गा को जब चालुक्यन किंग कीर्तिवर्मन को दंती दुर्गा ने हरा दिया था. सम ऑफिशियल्स हु असिस्टेड द किंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम इंक्लूडेड द संधि विग्राही का फॉरेन मिनिस्टर, उस टाइम पर और भी बहुत सारे अधिकारी होते थे जो राजा की प्रशासनिक कामों में सहायता करते थे. उसके अंदर आते हैं संधि विग्राही का, जिसे उस टाइम का विदेशी मंत्री कहा जाता था, बंदागारी का ऑफिशियर ऑफ द गवर्नमेंट स्टोर, गवर्नमेंट स्टोर के अधिकारी को बंदागारी का कहते थे, कोटापाला इंस्पेक्टर ऑफ फोर्ट्स, किलों के इंस्पेक्टर को कोटापाला कहा जाता था, अक्षापताली का रेवेन्यू मिनिस्टर, उस टाइम का जो आय मंत्री होता था उसे अक्षापताली का कहा जाता था, एंड राजपुरोहिता रॉयल प्रिस्ट, और शाही बाजारी को राजपुरोहित कहा जाता था. द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू भुक्तिज और प्रोविंसेज, जो राज्य होते थे उनको आगे भुक्तिज या प्रोविंसेज में बांटा जाता था, विच वर फर्दर डिवाइडेड इंटू विशियस, जिन्हें आगे विषय में बांटा गया था. एक गवर्नर वॉज असाइंड टू लुक आफ्टर द भुक्तिज, भुक्तिज की देखभाल करने के लिए एक गवर्नर को अपॉइंट किया जाता था. वाइल द विशियस वर लुकड आफ्टर बाय द विषयपति, जो कि विषय होते थे उसे उसकी देखभाल विषयपति द्वारा की जाती थी. विलेज वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट वॉज लुकड आफ्टर द ग्रामापति और विलेज हेडमैन, इनमें जो सबसे छोटी इकाई थी वो गांव होते थे, जिसे कि ग्रामापति या विलेज हेडमैन द्वारा उसकी देखभाल की जाती थी. द विलेज हैड देयर ओन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप दैट वॉज ओवरलुकड बाई द विलेज हेडमैन, इन विलेज की अपनी ही एक शासन व्यवस्था होती थी जिसे कि विलेज हेडमैन द्वारा देखा जाता था. हु वॉज असिस्टेड बाई सम ऑफिशियल्स, विलेज हेडमैन की सहायता के लिए भी किसी कुछ ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया गया था. बेटे इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोसाइटी. द सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन द कास्ट सिस्टम, उस टाइम पर जो सोसाइटी है वो मेनली जाति प्रथा पर आधारित थी. द क्षत्रियज अलोंग विद द ब्राह्मणाज इंजॉयड द हाईएस्ट पोजीशन इन द सोसाइटी, सोसाइटी में जो सबसे ऊंचा स्तर है वो क्षत्रिय और ब्राह्मणों को मिला हुआ था. द क्षत्रियज वर ए वेरियर क्लास दैट रूल्ड ओवर द किंगडम, जो क्षत्रिय हैं वो योद्धा होते थे जो कि राज्य के ऊपर अपना राज करते थे. द ब्राह्मणाज परफॉर्म्ड द ड्यूटीज ऑफ द प्रिस्ट एंड ऑल्सो गेव एडवाइस टू द किंग, जो ब्राह्मणा होते थे वो पुरोहित का काम करते थे और वो राजा को सलाह देते थे. द वैश्यस कंप्राइज द ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, जो वैश्य होते थे वो उस टाइम पर व्यापारी होते थे और वो व्यापार का काम करते थे. हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, जो शहर की व्यवस्था को चलाने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते थे, उन्हें हम वैश्य कहते हैं, जो व्यापार का काम करते थे. दो शूद्र परफॉर्म्ड ऑल मैनुअल जॉब्स एंड हैड नो राइट एज सच, जो नेक्स्ट जाति थी वो शूद्रा थी, यानी कि नीच जाति के लोग जो कि लोगों के घरों में या सेवक का काम करते थे और उन्हें कोई अधिकार नहीं दिए गए थे. एलब्रूनी मैंशनड दिस रिजिड कास्ट सिस्टम इन हिज तहकीक हिंद, एलब्रूनी ने अपनी बुक तहकीक हिंद में इस कास्ट सिस्टम का वर्णन किया है. एलब्रूनी ऑल्सो मेक्स ए मैंशन ऑफ ए न्यू ग्रुप दैट इमर्ज्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, एलब्रूनी ने एक नए ग्रुप के बारे में भी बताया है जिसे कहते थे कयास्ट, हु परफॉर्म्ड क्लैरिकल वर्क एंड वर मोस्टली बुक कीपर्स, जो मुख्य दफ्तरों का काम करते थे और उन्हें बुक कीपर कहा जाता था. द पोजिशन ऑफ वुमेन डिक्लाइंड, इस टाइम में जो औरतों की स्थिति है वो बहुत बुरी थी. सती एंड चाइल्ड मैरिज वर प्रैक्टिस्ड, उस टाइम पर सती मैरिज मतलब जो स्त्रियां थी वो अपने पति के साथ ही सती हो जाती थी और छोटे छोटे बच्चों की ही शादी कर दी जाती थी.
बेटा अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमी, मींस उस टाइम पर अर्थव्यवस्था कैसी थी, लोग पैसा कमाने के लिए क्या करते थे। द मेन ऑक्यूपेशंस वर एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। उस टाइम पर लोगों के जो मुख्य काम है वो थे खेती या व्यापार करना। द रीजनल किंगडम्स ऑफ दिस पीरियड हैड ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद द साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, द मेडिटेरियन एंड वेस्टर्न वर्ल्ड। उस टाइम के लोगों के जो व्यापारिक संबंध है वो साउथ ईस्ट एशिया के साथ, चाइना के साथ, मेडिटेरियन और पश्चिमी संसार के साथ थे। द मेन आइटम्स ऑफ ट्रेड इंक्लूडेड स्पाइसेस, प्रेशियस स्टोन्स एंड टेक्सटाइल। व्यापारी करने वाली मुख्य चीज़ें थी मसाले, कीमती हीरे जवाहरात और टेक्सटाइल। हॉर्सेज वर रेगुलरली इम्पोर्टेड टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उस टाइम पर घोड़ों का बहुत ज़्यादा व्यापार किया जाता था। ट्रेड गिल्ड्स और श्रेणीज वर इस्टेब्लिश टू रेगुलेट ट्रेड। व्यापार को बनाए रखने के लिए उस टाइम पर व्यापार मंडल या उनकी श्रेणीज बना दी जाती थी। द श्रेणीज और मेंबर ऑफ द ट्रेड गिल्ड हैड एन इम्पोर्टेंट पोजिशन इन द सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल। उस टाइम पर जो श्रेष्ठिन होते थे और जो व्यापार मंडल के प्रतिनिधि या उनके अधिकारी होते थे, उन्हें भी शहरों में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था। तो बेटे आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। इस वीडियो को देखकर चैप्टर का ये पार्ट आपको अच्छे से समझना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।